हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आपने मुझे मिस किया होगा। फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का इस टॉपिक में मैं शेयर करने वाली हूँ लोगों के एक्सपीरियंसेस, जो लोगों ने मुझे कमेंट करके या मेल करके मेरे इंस्टाग्राम पर जो लोगों ने अपने कोविड के टाइम के जो एक्सपीरियंसेस मुझे उन्होंने शेयर किया है उसको मुझे बताते हुए। यहाँ पर बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जहाँ दर्द भरा था, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे जहाँ खुशी हुई सुन के, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो उन्हें लाइफ का ज्ञान मिल गया हो ऐसा है। तो उसमें ये पूरा एक्सपीरियंसेस का मैंने एक जैसे बोलते हैं निचोड़ करके आई ब्रॉट दिस वीडियो फॉर यू ऑल। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो ज़रूर करते रहिएगा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा, यूँ ही मुझे प्यार करते रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो एक कोविड-19 का जो दौर था लगभग फरवरी में, आई रिमेम्बर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग ऐसे टक करके गिर रहे हैं एंड इमिजिएटली हमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई फालतू फालतू सा वीडियो होगा, हमें क्या पता कि ऐसे कुछ हो रहा है। जैसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं तो लोगों ने इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया उसको, ऐसे समझा कि यार चाइना में कहीं आया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा भी यही अनुभव था इसमें एंड वी वेर इनटू आवर ओन रूटीन, हम चल रहे थे अपने रूटीन में। अचानक में मार्च तक ऐसे होने लग गया कि नहीं, ये इंडिया में भी आ रहा है एंड इट्स समथिंग लाइक जैसे पानी की लहर हमारे पास आ रही है। जब तक हम यहाँ खड़े थे फरवरी में, हम वो देख रहे हैं कि लहर काफ़ी दूर है, पर जब वो हमारे पास आ रही थी तो हम घबरा गए एंड हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें दौड़े या डूब जाए, क्या करे, नहीं समझ में आ रहा था। तो ये सारा जो भी सिनेरियो था ये सबके साथ ऐसे था। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, वी स्टार्टेड फॉलोइंग गवर्नमेंट। लोगों ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको घर पे रहना है। बहुत अच्छे से उन्होंने बोला आपको कर्फ्यू लगा है, 2 दिन 10 दिन घर पे रहना है। उतने टाइम तक हमें ऐसा लगा चलो छुट्टी मिल गई है, ऑफिस से छुट्टी मिल गई है। जो लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे एक वेकेशन हो जाए यार, या एक छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, दौड़ता हूँ मेरे ऑफिस के लिए एंड फिर रात को लेट आता है, आई डोंट गेट टाइम विथ माई फैमिली, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं मिलता, मैं खुद के लिए टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो लोगों ने समझा कि यार चलो ये टाइम है, दिस इज़ जस्ट एन 1 वीक टाइम एंड ये चले जाएगा। 1 वीक के बाद 1 महीना हो गया एंड फिर हम उसको धीरे धीरे समझने लग गए कि यार ये क्या हो रहा है बॉस, क्या है ये। जैसे ही महीना शुरू हुआ, टाइम ऐसे समझने लग गया कि यार कि कुछ तो इमरजेंसी केस है बॉस, कुछ तो गलत हो रहा है और अभी कुछ अब नॉर्मल चीज़ें होने वाली हैं। जब 1-2 थे केसेस तो हम सोचने लग गए यार 1-2 केसेस में गवर्नमेंट इतना सीरियस क्यों हो रही है यार, डेथ रेट कोई मर नहीं रहा है, बस दिस इज़ जस्ट एन बीमारी है, इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे। फिर 2 महीना 3 महीना एंड उसके बाद क्या, लोगों के इतने सारे प्लान थे। अभी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं आपको। मेरे एक व्यूअर है एक उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है कि मैम मैं तो मेरा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही थी, हमारी कंपनी में सिर्फ 3 साल के बाद ही प्रमोशन होता है और ये 3 साल के बाद प्रमोशन आने वाला था। आप सोचिए मैंने इतनी हार्ड वर्क की थी लास्ट 3 इयर्स टू गेट दिस प्रमोशन, गेट दिस सैलरी हाइक एंड पोजिशन हाइक एंड इमिजिएटली कंपनी ने 3 महीने तक बंद कर दिया एंड देन 3 महीने के बाद मेरे हाथ में आता है क्या, कंपनी शट डाउन, वी डोंट नीड एम्प्लॉयज सो यू कैन सिट एट होम परमानेंटली। क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आया। मैं प्रमोशंस की प्लानिंग में थी, मैं इंक्रीमेंट के प्लानिंग में थी एंड सडनली क्या सब खत्म। फिर एक पर्सन ने मुझे बताया कि मैम मैं प्लान कर रहा था कि आने वाले टाइम में मैं मेरे एक जगह पे मैंने लैंड ली थी, उस लैंड को मैं डेवलप करके अपना रेस्टोरेंट बनाने वाला था एंड देन सडनली दिस कोविड केम डाउन। मैंने आधा काम बीच में छोड़ गया है, मेरा काम आधा बाकी रह गया है, थोड़े पैसे लगे हैं, इतने पैसे मैंने कर्जे में लिए थे, मेरा काम रह गया,
आधा इनकम्प्लीट रेस्टोरेंट बना है और पता नहीं ये कोविड कब जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें क्या हो गया है, कुछ सपने जो हमने पहले से प्लान करके रखे हुए थे, दैट इज नथिंग हैपेंड। और उसके कारण क्या हुआ, हम इमोशनल डिसबैलेंस्ड। हम सब की लाइफ एक जगह पे रुक गई एंड रुकने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या। बच्चों को देख लो, उनको ये पता था कि अभी मार्च की छुट्टियां लगी है, वे का वेकेशन, उसके बाद जून से मैं स्कूल जाऊंगा, अभी तक स्कूल खुले नहीं है। टीचर्स की, उनको ऐसा लगा कि इस साल मुझे इंक्रीमेंट मिलने वाला है, साल के हिसाब से जॉब चली गई है। सबका कुछ ना कुछ तो खो गया है। अब क्या, कोरोना ने हमें क्या सिखाया है, कोरोना क्या लेकर आया है। मॉर्निंग मुझे एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें दैट लेडी वॉज शेयरिंग दैट मैम, मैंने मेरा पूरा स्कूल पिछले एक साल इतनी मेहनत करके स्कूल को एक लेवल पे लेकर आई थी, 500 एडमिशन्स मैंने कर दिए थे, अब उम्मीद थी कि अब जाकर आई विल गेट अ सेटल्ड लाइफ, मुझे सराया जाएगा, थिंग्स विल बी वर्किंग वेरी पीसफुली। बेचारे का बच्चा पढ़ रहा था, थिंग्स वेर वेरी सिंपल एट दैट टाइम, सडनली कोविड आया। शी थॉट स्टिल कि कुछ नहीं है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। आज जुलाई आया एंड सिंस मार्च टिल जुलाई शी इज़ नॉट हैविंग सैलरी। ऊपर से प्रेशर उसके बच्चे की फ़ी का भी है, उसके बच्चे की आगे के फ्यूचर का है, शी इज़ अ सिंगल लेडी। सोचो लाइफ क्या लेकर आया है। इस वीडियो के द्वारा मैं थोड़ा सा कुछ मैं समझाना चाहती हूँ कि लाइफ जब हम प्लान करके रखते हैं और हमारे प्लानिंग के हिसाब से अगर लाइफ नहीं चलती है तब क्या हो जाता है, क्या हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या करना है आगे। बहुत सारे लोग ये बोलने लग गए हैं आज के टाइम में, कुछ भी हम फिक्स नहीं बोल सकते हैं। आज जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, क्या पता ये स्टेबल पोजीशन है या नहीं है। ये कोविड हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाया है। सबसे पहली चीज़ ये सिखाया है परिवार का इम्पोर्टेंस, कि अगर हमारे परिवार में से कोई बीमार पड़ता है, प्रॉब्लम में आता है, तो क्या सब यूनिटी में खड़े रहना सीखे हैं हम। इस कोविड को किसी ने नेगेटिवली लिया है, किसी ने बहुत पॉजिटिवली लिया है, और किसी ने इसको लाइफ चेंजिंग ट्रैक दिया है। यहाँ तक कि भगवान के दौर भी जहाँ पे बंद थे तो लोगों ने होप जो था वो भी करना छोड़ दिया है, और कुछ लोगों ने अपनी लाइफ सिर्फ होप पे जी है। क्या लेकर आया है कोरोना। आगे जब मैं एक एक एक्सपीरियंसेस जब सुनी थी तो एक जगह पे मेरे आंखों से आंसू आए। कोविड उनके फैमिली में एक छोटे से बच्चे को हुआ था एंड वो बच्चा कैंसर से जूझ रहा था। कैंसर था और कोविड हो गया। सोचो, एक तरफ वो छोटा सा बच्चा जो कैंसर से जूझ रहा था, साथ में उसको कोविड भी हो गया, और उसके साथ कंप्लीट फैमिली वॉज इन टू कोविड। बच्चा तो नहीं रहा बट फैमिली भी जो जा रही थी ट्रॉमा से। आप समझ सकते हो कि उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी। आप सोच सकते हो कि उस फैमिली ने क्या फेस किया होगा। आपको पता है कोविड में सबको अलग कर देते हैं। कैंसर से जूझता हुआ बच्चा कोविड सेंटर में अकेला पड़ा हुआ था और सारी फैमिली अलग अलग जगहों पे थी। वो बच्चा का शक्ल भी किसी को देखने नहीं मिला। जब उनकी स्टोरी मैंने सुनी, इट वॉज रियली पेनफुल। क्या लेकर आया है कोरोना यार, क्या। उसी जगह पे एक अच्छी वाली भी एक्सपीरियंसेस मुझे सुनने के लिए मिला दैट मैम, एक 77 इयर्स के पर्सन थे, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा, मैम मैं तरसता था मेरी फैमिली को साथ देखते हुए।
मेरी बहू काम करती है, मेरा बेटा काम करता है, मेरा जो मेरा ग्रैंडसन है वो भी हमेशा बिजी रहता था। आज मुझे इतने सालों के बाद परिवार का सुख मिला है। मैं पूरा दिन घर पे अकेला रहता था। आज इस कोविड ने मेरे घर में खुशियाँ लाई है। मैंने लोगों को हंसते देखा है, मेरे घर पे साथ खिलखिलाते देखा है। हम साथ आज टीवी देखते हैं, हम साथ खाना खाते हैं, साथ उठते हैं, साथ पूजा करते हैं। मुझे ये खुशी का माहौल मिला और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं पे मुझे ये टाइम चाहिए था। मेरी दुआएं जो इतने टाइम से मैं भगवान से कर रहा था वो फिलफिल हुई है। देखिए क्या लेकर आया है करोना। किसी के घर में खुशियाँ तो किसी के घर में मातम। किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है पूरी और किसी की ज़िंदगी बना दी है। कि क्या लेकर आया है करोना। इस वीडियो के आखिर में इतना कह सकती हूँ, इस करोना ने हमें बहुत सबक सिखाया है। एक सबक पहला ये सिखाया है कि आज में जिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग जब आप करते हो तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी लोग हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, अगर हम फ्यूचर को सोचने से पहले अगर फाइनेंशियली स्टेबल होते तो करोना क्या, करोना का बाप भी आया होता ना, तभी भी हम नहीं डरते। दूसरी बात, फिजिकल, इतने रूटीन भरे लाइफ में हमने कभी भी अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। इस करोना ने सिखाया है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। करोना ने हमें ये सिखाया है, अगर हम अंदर से स्ट्रांग है तो हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। फिर हमें सिखाया है इमोशनल, मेंटल पीस। हम रूटीन भरे लाइफ में मेडिटेशन करना या अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना भूल गए थे। हमेशा दौड़ते रहते थे, हमेशा ये सोचते रहते थे कि आगे बढ़ना है, कम्पीट करना है, कुछ पाना है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ। आज ये कोरोना हमें ठहराव लाया है, रुकना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि ये क्यों कर रहे हैं हम। आज सबके दिमाग में हर जगह पे, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। कोई भी सवाल किसी को पूछ लो, कोई बोलता है कि यार ये होने वाला नहीं है, अब तो रिसेशन आ गया है, कुछ चलने वाला है नहीं। स्कूल्स के बारे में पूछ लो, पूरा साल स्कूल होने वाला नहीं है। कोई बोलता है यार 2 महीने में चालू हो जाएगा। हर कोई लाइफ अपनी नॉर्मल करने में लगा पड़ा हुआ है, पर क्या नॉर्मल हो रही है ज़िंदगी? किसी के साथ नॉर्मल हो रही है तो वो डर रहा है, ये सोच रहा है कि दोबारा आ गया तो। किसी के साथ जो अच्छा हो रहा था वो खुद सोच रहा है कि ये चले गया वापस तो। अभी इस टाइम में हमें इस 5 एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। फिर फिजिकली स्टेबल होना है, मेंटली स्टेबल होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, एंड देन सोशली स्टेबल होना है। आपको इन सबके साथ एक बॉन्ड बना के रखना है और फिर अपने आप को जीना है। लाइफ में और कुछ भी नहीं है। लाइफ में कल क्या होने वाला है नोबडी नोज़। हम सिर्फ होप पे ज़िंदा रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा। हम भगवान के सहारे ज़िंदा रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा। आज भी यही करना है, होप के सहारे जीना है, बट पॉजिटिवली, बट ये सारे एक्सपेक्ट्स को ध्यान रखते हुए। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि आज के इस एक्सपीरियंसेस से आपको आइडिया हुआ होगा कि लाइफ क्या है, करोना क्या लेकर आया है और करोना ने हमें क्या सिखाया है और आगे का लाइफ का फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, शुरू हो जाइए, फिजिकल मेंटेन कीजिए, फाइनेंशियल मेंटेन कीजिए, सोशल मेंटेन कीजिए, इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। निराश नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, हैप्पी रहना है और फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए। फैमिली एक यूनिटी है, अपनी है। अपने फैमिली में से किसी एक को कुछ हो गया तो पूरा फैमिली ख़त्म हो जाता है, वो सुकून, वो चैन, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो आज हमें देखना है कि इस करोना ने हमें क्या सिखाया और लाइफ चेंज हमें करना है और हमें अपने आप को इस तरह स्ट्रांग करना है, इस तरह बाउंस बैक करना है कि हमें ऐसा लगे कि इस करोना ने हमें न्यू ज़िंदगी दी है,
कोरोना कुछ लेकर नहीं गया है, पर कोरोना बहुत कुछ लाया है, बहुत कुछ सिखाया है। फ्रेंड्स, मिलते हैं ज़रूर दोबारा। आशा करती हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोगों तक ये पॉजिटिव नोट आप पहुँचाओगे। और आपको भी मुझसे कुछ बात करनी है, कोई कमेंट करना है, कोई मेल लिखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जीमेल मेरा अकाउंट दिया गया है, फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ। आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं स्टडी करूँगी, आपको आंसर दूँगी, आपसे बात करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए। मेरे फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। एंड हेल्दी रहिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं। लाइफ को सिर्फ इतना याद रखना है, वी आर गोइंग टू बाउंस बैक टुगेदर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।